हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। चोट के बाद हार्दिक ने वापसी तो की, लेकिन ये वापसी संभव सी नहीं लगती। आपको बता दें, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो दौरा था, यानी कि जो इंडिया ए जाने वाला था न्यूजीलैंड, उस टीम से फिटनेस टेस्ट में फेल होने के चलते हार्दिक पांड्या को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह पर टीम इंडिया में ऑलराउंडर विजय शंकर को अपनी जगह लाया गया है। यानी कि हार्दिक पांड्या की जगह अब देखेंगे आपको विजय शंकर, जो कि तमिलनाडु के कप्तान भी है रणजी मैचेस में। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को बाहर किया गया है, कहा गया था कि हार्दिक पांड्या अनफिट है। फिटनेस टेस्ट हुआ हार्दिक का, लेकिन उसमें हार्दिक फेल हो गए और इंडिया ए की टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया और उनकी जगह अब आ गए हैं विजय शंकर। तो यानी कि जो इंडिया ए की जो टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई है, उस फ्लाइट में अब उड़ान भरेंगे हार्दिक नहीं बल्कि विजय शंकर। लेकिन विजय शंकर के लिए कितना मुश्किल होगा ये, क्योंकि हार्दिक की जगह पर उनका जाना और एक एज एन ऑलराउंडर टीम में अपना नाम बनाना, इंडिया ए को संभालना बहुत मुश्किल सी बात होगी और बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड से भिड़ेगा इंडिया ए का टीम, उसमें विजय शंकर का क्या कुछ कैसा उपयोग होगा, कैसे वो विकेट्स लेंगे ऑलराउंडर, एज एन ऑलराउंडर किस तरीके से वो बैटिंग और बॉलिंग में मोर्चा संभालेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या को इंडिया ए की टीम से अनफिट होने के चलते बाहर कर दिया गया और उनकी जगह अब आ गए हैं विजय शंकर। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।